मिलता है बाबा, हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नील गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा, हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। कोई शय ना भाती है अब, याद घर की आती है, करे इशारा किरण तुम्हारी जैसे हमें बुलाती है। तेरी याद में समा के हम तो तुम सा ही बन जाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। बस कुछ पल की बात है, फिर घर चलना साथ है, हाथ में हाथ तुम्हारे बाबा, प्यार की बरसात है। संगम युग में संग में तेरे, हर पल मिलन मनाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। अंबर से भी पार है, मणियों का गार है, परम शांति विश्राम यहाँ पर ज्योति का भंडार है। परमानंद सुधा नैनों से वसुधा पर छलकाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा, हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नील गगन में जाए, तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा, हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। ओम शांति। ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है फरिश्ता सो देवता बनना, परंतु फरिश्ता बनने के लिए इस देह की मिट्टी को छोड़ना, व्यक्त और व्यर्थ को छोड़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक नीचे को नहीं छोड़ा, तब तक ऊपर
उड़ नहीं सकेंगे। और फरिश्ता तो संपूर्ण पवित्र है, शुद्ध है, साफ है। तो जब तक आत्मा निरंतर बाबा की याद से संपूर्ण पावन नहीं बनी, तब तक अपनी उस अव्यक्त फरिश्ता स्थिति को प्राप्त भी नहीं कर सकती। तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पवित्रता का लक्षण, आंतरिक स्वच्छता, निर्मलता का लक्षण, देह और देहिक स्मृतियों से परे हो जाने का लक्षण धारण करना बहुत जरूरी है। और जितना जितना ये लक्षण आते हैं, उतना लक्ष्य समीप हमें भी अनुभव होता है और हमसे औरों को भी अनुभव होता है। तो आज की मुरली हमें लक्ष्य के समीप ले जाने वाली है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 9 तारीख 9 जुलाई 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे सच्चे बाप के साथ अंदर बाहर सच्चा बनो, अंदर भी सच्चे बाहर भी सच्चे, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, तब ही देवता बन सकेंगे। तुम ब्राह्मण ही फरिश्ता सो देवता बनते हो, है ना। जब तक टीचर को स्टूडेंट अपनी प्रॉब्लम नहीं बताएगा, जब तक पेशेंट डॉक्टर को, है ना, अपने सिम्टम्स नहीं बताएगा, तब तक इलाज कैसे होगा, तब तक हमारी कमी कमजोरियां कैसे निकलेंगी। इसलिए बाबा से कुछ छिपाना नहीं है, अंदर और बाहर साफ रहना है। प्रश्न है, इस ज्ञान को सुनने व धारण करने का अधिकारी कौन हो सकता है? उत्तर है, जिसने ऑलराउंड पार्ट बजाया है, जिसने सबसे जास्ती भक्ति की है, वही ज्ञान को धारण करने में बहुत तीखे जाएंगे, ऊंच पद भी वही पाएंगे। तुम बच्चों से कोई कोई पूछते हैं, तुम शास्त्रों को नहीं मानते हो, तो बोलो क्या बोलेंगे? जितना हमने शास्त्र पढ़े हैं, भक्ति की है, उतना दुनिया में कोई नहीं करता। हमें अब भक्ति का फल मिला है, इसलिए अब भक्ति की दरकार नहीं, इसलिए अब भक्ति नहीं करते, क्योंकि फल मिल गया है। ओम शांति। बेहद का बाप बेहद के बच्चों को बैठ समझाते हैं। कहाँ बैठकर? ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में बैठकर। सभी आत्माओं का बाप सभी आत्माओं को समझाते हैं, क्योंकि वह सर्व का सदगति दाता है, सबका सदगति दाता। जो भी आत्माएं हैं, जीवात्माएं ही कहेंगे, शरीर नहीं तो आत्मा देख नहीं सकती। शरीर नहीं है तो आत्मा देख नहीं सकती। भल ड्रामा के प्लान अनुसार स्वर्ग की स्थापना बाप कर रहे हैं, परंतु बाप कहते हैं, मैं स्वर्ग को देखता नहीं हूं। जिन्हों के लिए है वही देख सकते हैं। तुमको पढ़ाकर फिर मैं तो कोई शरीर धारण करता ही नहीं हूं, तो बिगर शरीर देख कैसे सकूंगा? बाबा तो अभी आते हैं, बस एक बारी ब्रह्मातन ना आधार लेते हैं, उसके बाद तो बॉडी लेते ही नहीं, और बिना बॉडी के देखेंगे कैसे? ऐसे नहीं जहां तहां मौजूद हूं, ऐसा नहीं, सब कुछ देखते हैं, ऐसे नहीं। नहीं, बाप सिर्फ देखते हैं, तुम बच्चों को भी आत्माओं को देखते हैं, जिनको गुल गुल यानी फूल बनाकर याद की यात्रा सिखलाते हैं।
योग अक्षर भक्ति का है। ज्ञान देने वाला एक ज्ञान का सागर है, उनको ही सतगुरु कहा जाता है। बाकी सब हैं गुरु। सच्चा गुरु कौन है? एक बाबा। गु और रो, यानी गु अंधकार, रो यानी प्रकाश। जो अज्ञान अंधकार से ज्ञान प्रकाश की ओर ले जाए वो है गुरु। परंतु सच में कौन ले जाता है, है ना? कौन सच में हमें ज्ञान देता है? वो है शिव बाबा, सतगुरु। तो वो है सतगुरु, बाकी सब है गुरु। सच बोलने वाला, सच खंड स्थापन करने वाला वही है। भारत सच खंड था, वहां सब देवी देवता निवास करते थे। तुम अभी मनुष्य से देवता बन रहे हो, तो बच्चों को समझाते हैं सच्चे बाप के साथ अंदर बाहर सच्चा बनना है। पहले तो कदम कदम पर झूठ ही था, है ना? हर बात पर बॉडी कॉन्शियसनेस के वश होकर काम करते थे, तो कदम कदम पर झूठ था। वह सब छोड़ना पड़ेगा। अगर स्वर्ग में ऊंच पद पाना चाहते हो तो ये झूठपन छोड़ना पड़ेगा। भल स्वर्ग में तो बहुत आएंगे, परंतु बाप को जानकर भी विकर्मों को विनाश नहीं किया तो सजाएं खाकर हिसाब किताब चुकतू करना पड़ेगा, फिर पद भी बहुत कम मिलेगा। राजधानी स्थापन हो रही है पुरुषोत्तम संगम युग पर, राजधानी बन रही है ना? जो जितना करता है उतना पाता है। राजधानी ना तो सतयुग में स्थापन हो सकती न कलयुग में, क्योंकि बाप सतयुग या कलयुग में नहीं आते हैं। इस युग को कहा जाता है पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग। इसमें ही बाप आकर सबका कल्याण करते हैं। कलयुग के बाद सतयुग आना है, इसलिए संगम युग भी जरूर चाहिए, है ना? बाप ने बताया है, ये पतित पुरानी दुनिया है। गायन भी है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए, तो पराए देश में अपने बच्चे कहाँ से मिलेंगे? देश ही पराया है, तो अपने देश, पराए देश के अंदर अपने बच्चे तो नहीं मिलेंगे ना, पराए बच्चे मिलेंगे रावण के वशीभूत। पराए देश में फिर पराए बच्चे ही मिलते हैं, उनको अच्छी रीति समझाते हैं। मैं किस में प्रवेश करता हूँ अपना भी परिचय देते हैं, और जिसमें प्रवेश करता हूँ उनको भी समझाता हूँ कि यह तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। कितना क्लियर है? अभी तुम यहाँ पुरुषार्थी हो, संपूर्ण पवित्र नहीं बन रहे हैं ना, बने नहीं हैं। संपूर्ण पवित्र को फरिश्ता कहा जाता है। जो पवित्र नहीं उनको पतित ही कहेंगे। फरिश्ता बनने के बाद फिर क्या बनते हैं? फरिश्ता के बाद फिर देवता बनते हैं। पहले फरिश्ता फिर देवता, ना? फिर उसके बाद कहते सूक्ष्म वतन में तुम संपूर्ण फरिश्ता देखते हो, उन्होंने को फरिश्ता कहा जाता है। तो बाप समझाते हैं, बच्चे एक अल्फ को ही याद करना है। अल्फ माना बाबा, उनको अल्लाह भी कहते हैं। बच्चे समझ गए हैं बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। स्वर्ग कैसे रचते हैं? याद की यात्रा और ज्ञान से। भक्ति में ज्ञान होता नहीं, ज्ञान सिर्फ एक ही बाप देते हैं, ब्राह्मणों को।
ब्राह्मण चोटी है ना, अभी तुम ब्राह्मण हो फिर बाजोली खेलेंगे, है ना, चोटी पर हो फिर बाजोली खेलेंगे। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसको कहा जाता है विराट रूप, संपूर्ण विराट रूप यह है। विराट रूप कोई ब्रह्मा विष्णु शंकर का नहीं कहेंगे, उसमें चोटी ब्राह्मण तो है नहीं जो भक्ति मार्ग का चित्र है। तो बाबा कहते हैं बाप ब्रह्मा तन में आते हैं यह तो कोई जानता नहीं, ब्राह्मण कुल ही सर्वोत्तम कुल है। जबकि बाप आकर पढ़ाते हैं, बाप शूद्रों को तो नहीं पढ़ाएंगे, है ना, बाबा शूद्रों को तो नहीं पढ़ाएंगे ना, तो पहले ब्राह्मण रचते हैं, हमें पवित्र जन्म देते हैं, ब्राह्मणों को ही पढ़ाते हैं। पढ़ाने में भी टाइम लगता है, राजधानी स्थापन होनी है तो टाइम तो लगेगा ना। तुम ऊंच ते ऊंच पुरुषोत्तम बनो, नई दुनिया कौन रचेगा, बाप ही रचेगा, यह भूलो मत। माया तुमको भुलाती है, उनका तो धंधा ही ये है। माया का काम क्या है, मैं आया, जैसे ही अहम आ जाता है मैं बॉडी हूँ, सारा ज्ञान भूल जाता है। तो माया का तो धंधा ही ये है कि हमें बार बार बॉडी कॉन्शियसनेस में लाना। ज्ञान में इतना इंटरफेयर नहीं करती है, याद में ही करती है। आत्मा में बहुत किचड़ा भरा हुआ है, वह बाप की याद बगैर साफ हो ना सके। योग अक्षर से बच्चे बहुत मूंझते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं बाबा हमारा योग नहीं लगता। वास्तव में योग अक्षर उन हठ योगियों का है। दुनियावी शब्द है योग। सन्यासी कहते हैं ब्रह्म से योग लगाना है, तो योग शब्द कहते हैं वहाँ। अब ब्रह्म तत्व तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है, जैसे आकाश में स्टार्स देखने में आते हैं, वैसे वहाँ भी परमधाम में भी छोटे छोटे स्टार मिसल आत्माएं हैं। वह आसमान से पार परमधाम, आसमान से पार जहाँ सूर्य चांद की रोशनी नहीं। तो देखो कितने छोटे छोटे रॉकेट तुम हो। क्या है हम, रॉकेट, छोटे छोटे रॉकेट हैं। तब बाबा कहते हैं पहले पहले आत्मा का ज्ञान देना चाहिए, वह तो एक भगवान ही दे सकते हैं। ऐसे नहीं सिर्फ भगवान को नहीं जानते, नहीं ऐसा नहीं, केवल यही ज्ञान नहीं जानते कि भगवान कौन है, खुद को भी तो नहीं जानते ना, परंतु आत्मा को भी नहीं जानते। इतनी छोटी सी आत्मा में, दिखाई भी नहीं देती, छोटी सी आत्मा में 84 के चक्र का अविनाशी पाठ भरा हुआ है, वंडर है ना। इनको ही कुदरत कहा जाता है और कुछ नहीं कह सकते। आत्मा 84 का चक्र लगाती ही रहती है, हर 5000 वर्ष बाद यह चक्र फिरता ही रहता है। यह ड्रामा में नोंद है, दुनिया अविनाशी है, कभी विनाश को नहीं पाती। वो लोग दिखाते हैं बड़ी प्रलय होती है, फिर श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर आता है, परंतु ऐसे कोई होता थोड़ी है, यह तो बेकायदे है, पॉसिबल नहीं है ना पीपल के पत्ते के ऊपर बच्चा आए। महाप्रलय कभी होती नहीं, एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश चलता ही रहता है। सारी दुनिया बिल्कुल विनाश नहीं होती, कभी नहीं होती। स्थापना विनाश पालना, ये चक्र चलता रहता है। इस समय मुख्य तीन धर्म हैं,
यह तो ऑस्पिशियस संगम युग है, पुरानी दुनिया और नई दुनिया में रात दिन का फर्क है। कल नई दुनिया थी, आज पुरानी है। कल की दुनिया में क्या था यह तुम समझ सकते हो। सतयुग में क्या था याद है ना? जो जिस धर्म का है उस धर्म की ही स्थापना करते हैं। वो तो सिर्फ एक आते हैं, बहुत नहीं होते जो धर्म स्थापक हैं। सबसे पहले वो अकेले आते हैं, बहुत सारे लोग उसके उनके साथ नहीं आते। फिर धीरे धीरे वृद्धि होती है। बाप कहते हैं, तुम बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देता हूँ। बच्चों को तकलीफ कैसे देंगे? मोस्ट बिलेवड बाप है ना। कहते हैं, मैं तुम्हारा सदगति दाता, दुख हरता, सुख करता हूँ। याद भी मुझे एक को करते हैं। भक्ति मार्ग में क्या कर दिया है, क्या कर दिया भक्ति मार्ग में? कितनी गालियाँ मुझे देते हैं। कहते हैं, गॉड इज वन, सृष्टि का चक्र भी एक ही है। ऐसे नहीं आकाश में कोई दुनिया है, ऐसा नहीं है। आकाश में स्टार्स हैं। मनुष्य तो समझते हैं एक एक स्टार में सृष्टि है। नीचे भी दुनिया है, कहते ना पाताल लोक है, है ना, ऊपर स्वर्ग लोक है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। ऊंचते ऊंच भगवान एक है। कहते भी हैं, सारे सृष्टि की आत्माएं तुम्हारे में पिरोई हुई हैं। यह जैसे माला है ना, इनको बेहद की रुद्र माला भी कह सकते हैं। परमधाम का चित्र देखो तो ऊपर शिव बाबा और जैसे सारी सृष्टि की आत्माएं बाबा के गले में पिरोई हुई हैं रुद्रमाला के रूप में, सूत्र में बंधी हुई हैं। गाते हैं परंतु समझते कुछ नहीं। बाप आकर समझाते हैं, बच्चे मैं तुमको ज़रा भी तकलीफ नहीं देता हूँ। यह भी बताया है, जिन्होंने पहले पहले भक्ति की है वही ज्ञान में तीखे जाएंगे, ऑटोमेटिक है। जिन्होंने सबसे ज़्यादा भक्ति की है, सबसे ज़्यादा भक्ति की है, वही फिर ज्ञान में भी तीखे होंगे। उन्होंने बाबा को सबसे ज़्यादा पुकारा है, याद किया है, प्यार किया है। भक्ति के फल का किसको भी पता नहीं है। भक्ति का फल है ज्ञान, जिससे स्वर्ग का वर्षा सुख मिलता है। तो फल देते हैं अर्थात नर्कवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं एक बाप। रावण का भी किसको पता नहीं है। कहते भी हैं, यह पुरानी दुनिया है। कब से पुरानी है वह हिसाब नहीं लगा सकते हैं। बाप है मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप, सत्य है वह कभी विनाश नहीं होता। इनको उल्टा झाड़ कहते हैं, बीज ऊपर है और झाड़ नीचे है। बाप ऊपर में है, आत्माएं बाप को ऊपर देख बुलाते हैं। शरीर तो नहीं बुला सकता, आत्मा तो एक शरीर से निकल दूसरे में चली जाती है। आत्मा न घटती न बढ़ती न कभी मृत्यु को पाती है। यह खेल बना हुआ है। सारे खेल के आदि मध्य अंत का राज बाप ने बताया है। आस्तिक भी बनाया है। यह भी बताया कि इन लक्ष्मी नारायण में यह ज्ञान नहीं है। सारा ज्ञान संपूर्ण सृष्टि चक्र का बाबा बताते हैं। वहां तो आस्तिक नास्तिक का पता ही नहीं रहता है स्वर्ग में। इस समय बाप ही अर्थ समझाते हैं, है ना। जो रचता और रचना के संपूर्ण ज्ञान को जानता है वो आस्तिक है, जो नहीं जानता वो नास्तिक है।
नास्तिक उनको कहा जाता है जो न बाप को, न रचना के आदि मध्य अंत को, न ड्यूरेशन को जानते हैं। इस समय तुम आस्तिक बने हो। वहां ये बातें ही नहीं, खेल है ना। जो बात एक सेकंड में होती वह फिर दूसरे सेकंड में नहीं होती। ड्रामा में टिक टिक होती रहती है। जो पास्ट हुआ चक्र फिरता जाएगा। जैसे बायोस्कोप होता है, 2 घंटे या 3 घंटे बाद फिर वही बायोस्कोप हूबहू रिपीट होगा। ऐसे ही होता है, मकान आदि तोड़ डालते हैं फिर देखेंगे बना हुआ है, दोबारा फिल्म लगाएंगे तो देखेंगे फिर से बना हुआ है, फिर डिस्ट्रक्शन होगी, फिर दोबारा फिल्म लगाएंगे फिर बना हुआ होगा। वही हूबहू रिपीट होता है। इसमें मूंझने की बात ही नहीं, मुख्य बात है आत्माओं का बाप परमात्मा है। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, और सुंदर मेला तब लगता है जब सतगुरु मिले दलाल। तो बाबा कहते हैं अलग होती हैं, यहाँ आती हैं पाठ बजाने। अलग हुए बाबा से, परमधाम से, यहाँ आए पाठ बजाया। तुम पूरे 5000 वर्ष अलग रहे हो। तुम मीठे बच्चों को ऑल राउंड पाठ मिला है, इसलिए तुमको ही समझाते हैं। ज्ञान के भी तुम अधिकारी हो। सबसे जास्ती भक्ति जिसने की है, ज्ञान में भी वही तीखे जाएंगे, पद भी ऊंच पाएंगे। पहले पहले एक शिव बाबा की भक्ति होती है, फिर देवताओं की, फिर 5 तत्वों की भी भक्ति करते, व्यभिचारी बन जाते हैं। अभी बेहद का बाप तुमको बेहद में ले जाते हैं, वह फिर बेहद के भक्ति के अज्ञान में ले जाते हैं। अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, क्या अपने को आत्मा समझ, मुझे एक बाप को ईजाद करो। फिर भी यहाँ से बाहर जाने से क्या होता है, इतना समझाते हैं बाबा कि अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो, फिर क्या होता है, यहाँ से बाहर जाने से माया भुला देती है। जैसे गर्भ में पश्चाताप करते हैं, हम ऐसे नहीं करेंगे, बाहर आने से भूल जाते हैं। यहाँ भी ऐसे है, बाहर जाने से ही भूल जाते हैं। यह भूल और अभूल का खेल है। अभी तुम बाप के डायरेक्ट बच्चे बने हो। शिव बाबा है ना, वह है सब आत्माओं का बेहद का बाप। बाप कितना दूर से आते हैं, उनका घर है परमधाम। इतना दूर से आते हैं, परमधाम से आएंगे तो ज़रूर बच्चों के लिए क्या लेकर आएंगे। इतनी दूर से आए हैं तो कुछ तो लाएंगे ना हमारे लिए, सौगात ले आएंगे। हथेली पर बहिष्त सौगात में ले आते हैं। इतनी बढ़िया गिफ्ट कभी किसी ने किसी को दी? बाप कहते हैं बाप कहते हैं सेकंड में, सेकंड में स्वर्ग की बादशाही लो। सिर्फ बाप को जानो। जिस पल आत्मा बाबा को जान जाती है, पहचान जाती है, स्वयं को समझ जाती है, जीवन मुक्ति की अधिकारी बन जाती है, दिल से कहती है बाबा, तो बाबा का सब कुछ बच्चे का हो जाता है। वह कहते सिर्फ बाप को जानो। सभी आत्माओं का बाप तो है ना, कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैं कैसे आता हूँ, वह भी तुमको समझाता हूँ। मुझे रथ तो ज़रूर चाहिए। कौन सा रथ? कोई महात्मा का तो नहीं ले सकते। रथ यानी बॉडी है ना, आत्मा है रथी, और यह है हमारा रथ।
तो किसी महात्मा का रथ नहीं लेंगे बाबा। मनुष्य कहते हैं, तुम ब्रह्मा को भगवान, ब्रह्मा को देवता कहते हो। अरे हम कहाँ कहते हैं, पापा कहते हैं, हम थोड़ी ना कहते हैं। झाड़ के ऊपर एकदम अंत में खड़े हैं, झाड़ का चित्र है ना, उसमें दिखाया ना, बिल्कुल एंड में खड़े हैं, जबकि झाड़ सारा तमो प्रधान है, ब्रह्मा भी वहाँ खड़ा है। तो बहुत जन्मों के अंत का जन्म हुआ ना, बिल्कुल जन्म पुनर्जन्म लेते लेते बिल्कुल एंड में आकर जब वो आत्मा, वही जो पहले नंबर की है, वो आ जाती है, तब बाबा उनमें प्रवेश करते हैं। बाबा खुद कहते हैं, मेरे बहुत जन्मों के अंत के जन्म में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब बाप आए हैं, जो आकर धंधा आदि छुड़ाया। 60 वर्ष के बाद मनुष्य भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए। बाप कहते हैं, तुम सब मनुष्य मत पर थे, अभी बाबा तुमको श्रीमत दे रहे हैं, शास्त्र लिखने वाले भी मनुष्य हैं, देवताएं तो लिखते नहीं न पढ़ते हैं, सतयुग में शास्त्र होते नहीं, भक्ति नहीं, शास्त्रों में सब कर्म कांड लिखा हुआ है। यहाँ वह बात है नहीं, यहाँ पर जब बाबा हमें समझा रहे हैं तो यहाँ कर्म कांड करने की बात नहीं है। तुम देखते हो बाबा ज्ञान देते हैं, भक्ति मार्ग में तो हमने शास्त्र बहुत पढ़े हैं। कोई पूछे, तुम वेदों शास्त्रों आदि को नहीं मानते हो, बोलो जो भी मनुष्य मात्र हैं उनसे ज़्यादा हम मानते हैं। सबसे ज़्यादा भक्ति तो हमने ही की है ना, शुरू से लेकर अव्यभिचारी भक्ति हमने शुरू की है। अभी हमको ज्ञान मिला है, ज्ञान से सदगति होती है, फिर हम भक्ति का क्या करेंगे? भक्ति किस लिए करते हैं? गति सदगति के लिए। भक्ति का फल मिला ज्ञान, और ज्ञान से हुई सदगति, तो भक्ति करने की दरकार नहीं है। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं, बच्चे हियर नो ईविल, सी नो ईविल, टॉक नो ईविल, थिंक नो ईविल, डू नो ईविल। तो बाप कितना सिंपल रीति समझाते हैं, ये जो दुनियावी बातें हैं ना, ये ना सुनो ना देखो ना सोचो ना बोलो। तो बाबा कहते हैं कि बहुत सिंपल रीति समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो, मैं आत्मा हूँ। वह कह देते क्या हूँ, अल्लाह हूँ। तुमको शिक्षा मिलती है, मैं आत्मा हूँ, बाप का बच्चा हूँ। यही माया घड़ी घड़ी भुलाती है, ये भुला देती है कि मैं आत्मा हूँ, मैं बाबा का बच्चा हूँ। दे अभिमानी होने से ही उल्टा काम होता है। अब बाप कहते हैं, बच्चे बाप को भूलो मत, टाइम वेस्ट मत करो। इम्पॉर्टेंट बात, न बाबा को भूलना है न टाइम वेस्ट करना है। अच्छा, रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, रचयिता और रचना के राज को, रचयिता और रचना के राज को यथार्थ समझ आस्तिक बनना है। ड्रामा के ज्ञान में मूंझना नहीं है, अपनी बुद्धि को हद से निकाल बेहद में ले जाना है ना। यहाँ है हदें, वहाँ है बेहद। दूसरा, सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनने के लिए
क्या करना है? सबसे पहले संपूर्ण पवित्र बनना है। आत्मा में जो किचड़ा भरा है उसे याद के बल से निकाल साफ करना है। जो अंदर किचड़ा भरा है ना, इसे बाबा की याद से निकालना है ना और बिल्कुल साफ करना है। आज का वरदान है ईश्वरीय रस का अनुभव कर। ईश्वरीय रस का अनुभव कर एक रस स्थिति में स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। कैसे बनेंगे श्रेष्ठ आत्मा? जब ईश्वरीय रस का अनुभव करके एक रस स्थिति में स्थित रहेंगे। जो बच्चे ईश्वरीय रस का अनुभव कर लेते हैं उनको दुनिया के सब रस फीके लगते हैं। जब है ही एक रस मीठा तो एक ही तरफ अटेंशन जाएगा ना। सब रसों से भी ज़्यादा मीठा एक परमात्मा रस है। उसका टेस्ट किसी को लग गया तो बाकी सब रस फीके। सहज ही एक तरफ मन लग जाता है, मेहनत नहीं लगती है। बाप का स्नेह, बाप की मदद, बाप का साथ, बाप द्वारा सर्व प्राप्तियाँ सहज एक रस स्थिति बना देती है। ऐसी एक रस स्थिति में स्थित रहने वाली आत्माएं ही श्रेष्ठ हैं। जो ऐसी एक रस स्थिति में रहती हैं वो आत्माएं ही श्रेष्ठ हैं। स्लोगन है किचड़े को समाकर रत्न देना ही, किचड़े को समाकर रत्न देना ही मास्टर सागर बनना है। तो हमें क्या करना है? रत्न देने हैं। दुनिया वाले चाहे कितना भी किचड़ा दें, हमें ज्ञान रत्न देने हैं। तो ऐसे मास्टर सागर बनना है। तो अभी सुनते हैं आज के अव्यक्त इशारे। तो आज का अव्यक्त इशारा है कोई अपने संस्कार व स्वभाव के कारण आपके सामने परीक्षा के रूप में आए तो क्या करेंगे? लेकिन आप सेकंड में अपने श्रेष्ठ संस्कार से, एक की स्मृति से ऐसी आत्मा के प्रति भी रहम दिल का संस्कार व स्वभाव धारण कर लो ना। यही है उपकार करना ना। दूसरा व्यक्ति अपने संस्कार के वशीभूत है, स्वभाव के वशीभूत है, लेकिन हमें क्या करना है? हमें उनकी तरह अपना संस्कार नहीं बदलना है। हमें क्या करना है? रहम दिल बनना है। अपने श्रेष्ठ स्वभाव संस्कार से ऐसी आत्मा को भी है ना अपने समान बनाना है, उनका भी उपकार करना है, श्रेष्ठ भावना शुभकामना करनी है। अच्छा, ओम शांति।